हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन इस बार ये विवाद इन दोनों के पर्सनल रीजंस को लेकर नहीं है बल्कि अपनी फिल्मों को लेकर छिड़ा है। दोनों की फिल्म मेंटल है क्या और सुपर 30 की रिलीज डेट क्लैश होने को लेकर इस विवाद को एक बार फिर हवा मिल गई है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों की कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं अब इस मामले में कंगना की बहन रंगोली चंदेल कूद पड़ी है। आपको बता दें कि रंगोली ने ट्वीट कर ऋतिक पर निशाना साधा है और बैक टू बैक कई ट्वीट कर लिखा है, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो युद्ध क्षेत्र में मिलने की बजाय पीठ पर वार करना पसंद करता है। जितना तू और तेरा पीआर कंगना को गिराएगा उतना ही वो तेरी मारेगी। अब तक वो इस बारे में नहीं सोचती थी, मगर अब तू देख जादू। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, तू अपने चिल्लर पीआर से ट्वीट करवाता रहे, वो एक इंटरव्यू देगी और तेरे चारों खाने चित। बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है जो वो जब चाहे फिल्म रिलीज करे, लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है, कॉमन सेंस है ही नहीं। अब देख बेटा तेरा क्या हाल होगा। रंगोली यही नहीं रुकी, इसके आगे उन्होंने लिखा, कंगना ने एकता कपूर को 26 जुलाई को मेंटल है क्या रिलीज नहीं करने के लिए कहा, लेकिन एकता बोली कि एक निर्माता के रूप में उन्हें फिल्म की रिलीज डेट तय करने का अधिकार है। फिर वो अपने बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन से मिली थी और फिर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया। तो देखा आपने, पहले तो रंगोली ने कंगना की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि कंगना ने एकता से इस क्लैश को रोकने की बात कही थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने ये तारीख तय की है। उसके बाद रंगोली ने ऋतिक पर कंगना के खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाने का भी आरोप लगाया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कंगना ने क्लैश रोकने की बात कहकर ये सबूत दिया है कि वो ऋतिक से डर गई है। वेल, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना और ऋतिक के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो रंगोली ने ऋतिक पर एक के बाद एक इतने आरोप लगाए हैं, उसके बाद देखने वाली बात तो ये होगी कि ऋतिक सामने से अब कैसे रिएक्ट करते हैं। बात करें दोनों ही फिल्मों की तो बता दें कि जहां एक तरफ कंगना की मेंटल है क्या को प्रकाश कोविला मुली डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की सुपर 30 को अनुराग कश्यप और विकास बहल ने मिलकर डायरेक्ट किया है और दोनों ही फिल्में आने वाले 26 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे आप दोनों में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।